हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्मार्ट वॉच को बोट वेरेबल ऐप से कनेक्ट करोगे। तो गाइस, ये मेरे पास बोट की स्मार्ट वॉच है, तो जो भी स्मार्ट वॉच पे लिखा होता है कि आप बोट वेरेबल से कनेक्ट कर सकते हो, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो बोट वेरेबल से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपनी फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है कनेक्ट करने के लिए, और नेट भी ऑन रखना है। उसके बाद आपको जाना है, अब हम बोट वेरेबल ऐप से कनेक्ट करेंगे। तो बोट वेरेबल ऐप पे आपको सबसे पहले हर एक चीज़ के लिए अलाउ करना है, नोटिफिकेशन के लिए, और हर एक चीज़ की एक्सेस देनी है, लोकेशन की और कॉन्टैक्ट्स की, और जितनी भी एक्सेस है मांगेंगे सबको देनी है। क्योंकि अगर आप एक्सेस नहीं दोगे तो वॉच में वॉच अच्छे से वर्क नहीं होगी। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन एक्सेस में भी आपको ऐप को एक्सेस दे देनी है। तो अब आपको वॉच को कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ से आपको आपकी वॉच का मॉडल सिलेक्ट करना है। तो अब मेरी जो वॉच है उसका मॉडल है बोट वेव एच। तो मेरे को यहाँ सर्च करना है कि कौन सी वॉच है बोट वेव एच। तो ये वाली वॉच है बोट वेव एच। अब मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। तो सेटअप पे आपको क्लिक करना है, एग्री करना है, और यहाँ से आप देखोगे तो एच लिख के आ रहा है पेयरिंग डिवाइस में। तो मैं इसको पेयर कर लूँगा। तो आप देखोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच पेयर हो रही है आपके ऐप से, और स्मार्ट वॉच पेयर हो चुकी है। तो अब यहाँ आपको पूरा डाटा डालना है तो डाल देना, मैं यहाँ से ऊपर से उसको स्किप कर दूंगा अभी के लिए। तो यहाँ मैंने सब कुछ स्किप कर दिया है, अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले मी की प्रोफाइल मिलेंगी, और उसके बाद आप होम पेज देखोगे तो आपको स्टेप्स देखने मिलेंगे, और आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है वो भी देखने मिलेगा। फिर यहाँ से आपको मिलेगा स्टेप काउंट, कैलोरीज कितनी बर्न हुई, हार्ट रेट, और यहाँ आपकी पूरी एक्टिविटीज आती है, और डिवाइस में आपको आपके पूरे फीचर्स मिलते हैं वॉच के। तो आपको यहाँ दिखेगी तो चार्जिंग वॉच में है, वॉच कनेक्टेड है, और सबसे पहला फीचर जो आपको मिलता है वो है वॉच फेसेस का। तो वॉच फेसेस जितने भी है वॉच में आपको दिखेंगे, और यहाँ से आप और लगा सकते हो वॉच फेसेस। अब ये ऑनलाइन लोड हो रहे हैं, इसके लिए नेट चालू होना जरूरी है। अगर आप नेट चालू नहीं रखोगे तो ये लोड नहीं हो पाएंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ आपको कई सारे वॉच फेसेस मिलेंगे जो कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो अपनी वॉच में, और यहाँ बोट के भी वॉच फेसेस मिलते हैं आपको। तो मैं इसमें ये वाला वॉच फेस सेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं सेट पर क्लिक करूँगा इसमें अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा वॉच में। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब वॉच फेस अपलोड हो तो आपको वॉच को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं और डिस्कनेक्ट नहीं करना, नहीं तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि वॉच फेस आ चुका है 98% तक, और यहाँ वॉच फेस हो चुका है अपलोड। तो आप देखोगे तो आपको बिल्कुल HD में मिलेगा, और आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो, इसमें आप कोई भी वॉच फेस लगा सकते हो अपनी वॉच में। तो आपको इसमें कई सारे वॉच फेस मिल जाएंगे, और आप देखोगे तो वॉच की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये मैंने सिल्वर कलर में मंगाई थी। एक्चुअली ये मैं ब्लू कलर में मंगाई थी, पर इसका जो बेजल सिल्वर में आता है। तो आप देखोगे तो इसमें वॉच फेस सेट हो चुका है, और क्रिएट ओन वॉच फेस जो ये होता है ना गाइस, ये कस्टम वॉच फेस होता है। इसमें आप कोई भी फोटो ले सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, और आप चाहो तो स्लीपिंग ये सब डाल सकते हो। तो ये सब फोटोज तो आपको यहाँ मिल जाती है, पर जैसे आप अपलोड इमेज पे जाओगे तो गैलरी खुल जाएगी, और गैलरी खोल के आप अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो। आपको इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, आप ऐप की नोटिफिकेशन ले सकते हो, वॉच को फाइंड कर सकते हो, यहाँ से वॉच फाइंड भी हो जाती है। कैमरा अलर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपने फ़ोन में कैमरा ऑन करोगे, तो अब आप देखोगे तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैंने क्लिक कर दिया तो फोटो सिलेक्ट, तो फोटो क्लिक हो जाती है। तो इसमें जो है वो वॉच रिमोट के जैसे एक्ट करती है, मतलब आप वॉच को रिमोट के जैसे यूज़ कर सकते हो, और आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, और इसमें कैमरा कंट्रोल खुद ही खुल जाता है वॉच में। यहाँ आप अलर्ट पे जा सकते हो जिसमें आपको सेटिंग रिमाइंडर मिलता है, यहाँ आपको सेटिंग्स मिल जाती है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए वॉच में 24
आवर्स का फॉर्मेट चाहिए कि 12 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड आप एक्टिवेट कर सकते हो, डिसकनेक्ट कर सकते हो वॉच को। अबाउट में जाओगे तो आपको आपकी वॉच के पूरे फीचर्स मिल जाएंगे, इसका अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा, सीरीज मिल जाएगी वॉच की। तो जैसे ही आप ऐप से कनेक्ट करते हो ऐप में सब कुछ आ जाता है। तो आप अपनी कोई भी बोट की वॉच को बोट वेरिएबल ऐप से कनेक्ट कर सकते हो और मी पे आपको आपकी पूरी प्रोफाइल मिलती है। और आप इसको गूगल फिटनेस से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपका पहले का स्टेप का डाटा अगर गूगल फिटनेस पे हो तो। तो गाइज ये थे पूरे फीचर कि आप बोट वेरिएबल ऐप से कैसे कनेक्ट करोगे। और गाइज मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करो। और मैंने कॉलिंग कैसे होती है मैंने वो भी बताया अपने चैनल में। तो गाइज आप एक बार प्लीज़ मेरा चैनल विज़िट करना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।